अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा क्विज़ के लिए। बात यह थी कि अभी हम लोगों को कौन से टॉपिक्स की स्टडी करना है या कौन से टॉपिक्स पढ़ना है क्विज़ के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में जो है तो क्विज़ में आ सकता है। जैसे कोविड से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन वगैरह है, और स्पोर्ट्स की जो करंट न्यूज़ है, इन तमाम से रिलेटेड जो है तो इस क्विज़ में सवाल आ सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे कि किस तरीके के जो है तो सवाल आएंगे और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स और हो सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कोविड से रिलेटेड, है ना, कोरोना वायरस से रिलेटेड। इसमें कौन से सवाल आ सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप लोग अगर गूगल पर जाएंगे तो अभी सबसे बेस्ट जो है तो स्टडी के लिए वही है। गूगल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं कोविड के बारे में, कोविड-19 के बारे में, कि फर्स्ट पेशेंट जो है तो उसका कहाँ पर आया था। देखिए, सब यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ कोविड-19, द डिजीज कॉज्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस कॉजिंग कोविड-19, है ना। तो यहाँ पर पूरा हम लोग चाइना में आया था और कब आया था, वो सब दिसंबर 2019 में आया था, ये सब पूरी डिटेल जो है तो देखिए यहाँ पर पूरी दी हुई है। तो आप लोगों को कोविड-19 के बारे में गूगल से आराम से मिल जाएगा, कब आया, कहाँ आया फर्स्ट पेशेंट, और अभी टोटल कितने केसेस है, कहाँ कहाँ पर है, कितने कंट्रीज़ में है, ये सब टोटल क्वेश्चंस आप लोग गूगल में डालकर सर्च कर सकते हो और इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो, है ना। ये हुआ कोविड से रिलेटेड, और कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स क्या है ये भी आप लोग सर्च करना। अभी आप लोग एक नोटबुक लेकर जो है तो लिख सकते हो उसके ऊपर कि उसके सिम्टम्स, केस कब आया, उसकी हिस्ट्री, और कौन कौन से रिलेटेड है इससे वायरस, वो टोटल इन्फॉर्मेशन जो है तो आप लोग इसकी लेना। इसके बाद ये तो हुआ हमारा कोविड से रिलेटेड। अब हेल्थ से रिलेटेड देखना है हमें कि हेल्थ से रिलेटेड या फिटनेस से, दोनों वही चीज हो जाएगी। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है हेल्थ से रिलेटेड, यानी सेहत से मुताल्लिक। तो सेहत से मुताल्लिक में इम्यूनिटी है, एक्सरसाइज है, और हेल्दी ईटिंग है, यानी हम लोग किस तरीके से कौन कौन सी गिजाएं अगर खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है तो इसमें शामिल है। इन तीनों टॉपिक पर आप लोग लिख सकते हैं, इम्यूनिटी, एक्सरसाइज है और हेल्दी ईटिंग, है ना, ये तीनों टॉपिक पर जो है तो आप लोगों के सवालात आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्या था, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है उससे मुताल्लिक आप लोग जो है तो सर्च करके, है ना, उसको उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है तो आप लोग इम्यूनिटी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, उसके बेनिफिट क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है तो कितना वॉक करना चाहिए दिन में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है तो, और कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर होगी, ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोग वहां पर सर्च करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमें एक टॉपिक मिल गया कि एक्सरसाइज पर भी जो है तो सवालात पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ योगा के ऊपर पूछे जा सकते हैं सवालात, योगा डे कब मनाया जाता है इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, और अभी कौन कौन से कैंपेन जो है तो चलते हैं हमारे देश में, वो भी जो है तो पूछा जा सकता है, है ना। तो ये एक्सरसाइज के ऊपर हो जाएंगे। एक बात बताना मैं भूल गया कि माझा कुटुंब माझी जवाबदारी जो है तो ये कोविड से रिलेटेड जो है तो कैंपेन चलाया गया, तो कब चलाया गया वो सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, तो वो भी मालूमात आप लोग लेना। और इसके बाद है हेल्दी ईटिंग, तो कौन कौन से फ्रूट्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बना सकती है, टोटल जो है तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जो है तो गूगल पर सर्च करके और भी इससे ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं। तो ये मालूमात आप लोग हेल्थ से मुताल्लिक, फिटनेस से मुताल्लिक ले सकते हैं। और इसके बाद आता है हेल्थ के अंदर जो गिजा है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट है,
प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है वो मालूम आप लोग ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है तो मिनरल्स के लिए अलग से है, कार्बोहाइड्रेट जो है तो कौन कौन सी चीज़ों से हासिल हम कर सकते हैं वो तमाम चीज़ों की जो है तो लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ईटिंग हेल्दी में जो है आप लोग गिजाओं के बारे में मालूम लेना है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तमाम लोगों के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग मालूम ले सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ है ना, स्पोर्ट्स की तरफ हम लोग देखेंगे कि नहीं न्यूट्रिशियन है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताया, जैसे कि है ना ये तमाम चीज़ें जो है न्यूट्रिशियन में आ जाएगी। और उसमें भी देखिए देखिए इससे मुताल्लिक इस किस्म के सवाल आ सकते हैं ना, न्यूट्रिशन से मुताल्लिक, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये तमाम चीज़ें जो है तो आप लोगों से ऐसे सवालात उसमें क्विज में आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। अब बात आती है हमारी स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में जो है तो बहुत सारे सवालात देखिए इस टाइप के जो है तो आ सकते हैं, ऐसे क्विज में जो है तो सवालात आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, टू कंट्रोल ब्लड शुगर द बेस्ट एक्सरसाइज इज है ना वॉक रेगुलरली, तो ऐसे सवालात आप लोगों से आएंगे, ये देखिए इस तरीके से सवालात आ सकते हैं कि द ओलंपिक मोटो अल्टियस मीन्स क्या, तो ये देखिए जवाब अगर गलत रहेगा तो ऐसा आएगा बाद में, वो आएगा डायरेक्ट नहीं आता है, यानी हायर जो है तो इसका सही है। इसी तरीके से क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट फुटबॉल क्लब, जो फुटबॉल क्लब नहीं है वो उसका है, और साइना नेहवाल के बारे में पूछा गया है तो वो जो है तो बैडमिंटन खिलाड़ी है, यहाँ पर ये जवाब उसका सही रहेगा। तो इस किस्म के सवालात आप लोगों के सामने आएंगे, देखिए क्विज में जो है तो ऐसे सवालात पूरे ये सब आ सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है तो रख सकते हैं, मैं स्टार्ट से आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए ये सवालात के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए है ना, यहाँ पर ये सवालात के स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए और इसकी तैयारी जो है तो बेहतर तरीके से करना। स्पोर्ट्स के अभी जो करंट स्पोर्ट्स चल रहे हैं हमारे, क्रिकेट का भी चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, तो कौन सी टीम से हो रहे हैं टेस्ट, किसका किसका हो रहा है हमारी टीम, और कौन सी सामने वाली टीम कौन सी है, अभी कुछ ऑल आउट हुए थे कुछ रनों पर तो कितने रनों पर हुआ था, कौन जीत रहा है, कितने मैच की सीरीज है, ये तमाम चीजें आप लोगों को जो है तो याद रखना रहेगा। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा लगभग, तो यहाँ पर हमारी बात हो गई अभी सभी टॉपिक्स पर, करंट नॉलेज जो है गेम्स के ऊपर वो भी आप लोगों को रहना चाहिए। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो क्विज में जो है तो आ सकती हैं। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया होगा और 2 जनवरी को जो है तो आप लोगों को 2 घंटे का शायद रहेगा, ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में जो है तो आप लोगों को बताया था, तो उसके मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन आप लोग लेना और उसकी तैयारी जो है तो करते रहना। यहां पर हम लोग देख लेते हैं हमारा टॉपिक खत्म हुआ या नहीं हुआ है, तो सब टॉपिक्स जो है तो फिलहाल कंप्लीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग जो है तो कुछ किताबें हैं या मोबाइल की मदद से वीडियोस की मदद से भी जो है तो आप लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ और मिलता है तो भाई इंशाल्लाह ताला और एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।